हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक। सो गाइस, इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी 50 दोनों का हम एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए। ओके, सो निफ्टी बैंक का यहाँ पे क्लोजिंग मिला है 46,577 का क्लोजिंग मिला है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो थोड़ा सा उसको भी ओवरलुक कर लेंगे हम, ठीक है। सो निफ्टी बैंक का क्लोजिंग 46,577 पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। सो अपसाइड में रेजिस्टेंस है, कंटिन्यूस रेजिस्टेंस को हम फॉलो कर रहे हैं। नीचे की साइड में सपोर्ट है ये वाला लेवल, ये जो ग्रीन कैंडल है ना बड़ा वाला, ये होल्ड करके बैठा है। यहाँ पे दो दिन हमने सपोर्ट लिया है सेम जगह पे। वो लेवल क्या एग्जैक्टली, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो सेम चीज रहेगी। कल जो डिस्कशन किया अभी उसी के अंदर है हम। 46,400 के आसपास हमारे लिए सपोर्ट है, इस लेवल के पास 350 के पास हमारे लिए सपोर्ट है। एंड आज का जो कैंडल बना है ना, एक शूटिंग स्टार टाइप यहाँ पे कैंडल बना है जिसने अपसाइड से अच्छा रिजेक्शन दिखाया है। मतलब अपसाइड में जाने का कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद अगेन वो आके नीचे की साइड में क्लोज किया है। ओके, सो अपसाइड में रेजिस्टेंस तो हो रहा है 46,800। आज भी हमने काफी टाइम कोशिश किया अपसाइड में जाने का लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए। अपसाइड में जो बियरिश प्राइस एक्शन बना है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहा है अभी भी। बस नीचे का सपोर्ट लेवल में अगर आपको बताऊं तो उसके लिए सपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट क्रिएशन बन रहा है अभी फिलहाल। इस एरिया में ये सपोर्ट बना रहा है 46,500-450 के आसपास, ये सपोर्ट क्रिएशन का काम चल रहा है। लेकिन अपसाइड में एक भी बार इसने अपना पिछला हाई नहीं निकाला है। सो आज भी बैंक निफ्टी में मेरा सेम व्यू था कि बेयरिश ये है, क्योंकि अभी भी इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, इसको निकाला नहीं है। बस नीचे सपोर्ट है वो बात अलग है। जिस तरह से ट्रेंडिंग मूव चाहिए, बड़े मूव चाहिए, उस तरह का मार्केट अभी फिलहाल तो मूवमेंट नहीं कर रहा है। कोई खास प्राइस क्रिएट नहीं कर रहा है, बस साइडवेज की तरफ परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा बहुत सपोर्ट के पास आता है, उसके बाद वापस रिवर्सल कर जाता है। करना है तो ब्रेक करे सपोर्ट को, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है, सीधी बात कर ही नहीं रहा है। वो पहले अपसाइड में गया, रेजिस्टेंस को फेस किया 46,800, उसके बाद वापस अभी स्लो एंड स्टडी आके नीचे क्लोज किया है। मतलब इसको इम्पोर्टेंट है 46,500 के आसपास का लेवल, ये सपोर्ट लेवल इम्पोर्टेंट है। ये तोड़ेगा तो फिर डाउन साइड में एक मोमेंटम हम लोगों के लिए एक्सपेक्टेड रहेगा। इतनी बार सपोर्ट पे आके अगर ये रुकेगा तो ये सपोर्ट को वीक नहीं करेगा क्या? ये सपोर्ट को भी वीक करेगा ना। यहाँ पे मार्केट आ गया था सीधा, उसके बाद बेस बना के भाग गया था। यहाँ पे ये भाग नहीं पाया है, यहाँ पे भी इसको अपसाइड में भागना चाहिए था। यहाँ पे रुका क्यों फिर ये? इसको यहाँ से अपसाइड भागना चाहिए था लेकिन ये यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे रुक गया, थोड़ा सा अपसाइड में गया, रेजिस्टेंस को ही फेस किया। सपोर्ट स्ट्रांग है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है? क्या स्ट्रांग है? रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है ना, मार्केट रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पा रहा है, सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहा है, वो बात अलग है। लेकिन बार बार आके सपोर्ट के पास क्लोज क्यों कर रहा है बियरिश वाला? सो कल भी ये अगर सपोर्ट को तोड़ेगा तो मेरा डाउनसाइड में व्यू रहेगा 46,400, 46,333 का, 444 का। ये टारगेट मेरे हिसाब से डाउनसाइड में हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगर सपोर्ट वीक हुआ तो, सपोर्ट टूटा तो अपसाइड में फिलहाल व्यू ही नहीं मारा। जब तक ये 46,800 के ऊपर नहीं जाता ना, 46,800 के ऊपर जाए, सेम लेवल को रिटेस्ट करे, देन ही मेरा उसमें कुछ इंटरेस्ट रहेगा। नहीं तो तब तक तो कोई मेरा व्यू उसमें बनने वाला नहीं है। कल क्या है? ट्यूसडे है। ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी रहता है, तो फिन निफ्टी को भी थोड़ा सा देख लेंगे कि फिन निफ्टी क्या बना है, फिन निफ्टी का किस तरह से चार्ट है, एंड कल उसमें मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा कि नहीं रहेगा। आज मिडकैप का एक्सपायरी था तो काफी अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंट मिडकैप ने दिखाया है। ओके, सो थोड़ा सा फिन निफ्टी को भी देखते हैं, इसके बाद निफ्टी को भी देख लेंगे। 9 बजे का कैंडल, 9 बजे का कैंडल कौन सा है? ओपनिंग का, अच्छा ये वाला है 9:15 का, ये वाला कैंडल है, ठीक है। निफ्टी, फिन निफ्टी में 9:15 का ये वाला ओपनिंग का कैंडल है। अभी फिन निफ्टी को देखा जाए, सॉरी गाइस, फिन निफ्टी को देखा जाए तो वो भी सेम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। एंड अभी इसके पास जो सपोर्ट हो रहा है ना, वो इस एरिया में सपोर्ट हो रहा है, फिन निफ्टी के लिए यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है। थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट करके देखे, अच्छा 15 मिनट का ही, ओके बेहतर है। 15 मिनट का चार्ट अगर यहाँ पे देखे तो इसको सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो लगभग सपोर्ट के लिए एक एरिया ड्रॉ करेंगे हम। सपोर्ट जो उसको निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो सपोर्ट बना रहा है। इतना कोई स्ट्रांग सपोर्ट मुझे इसमें बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। 20,600 के आसपास ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। सो सपोर्ट तो बना रहा है लेकिन अपसाइड में इसका जो प्राइस एक्शन है ना बेयरिश, वो कंटिन्यू है। सपोर्ट तो है लेकिन प्राइस एक्शन कंटिन्यू है। सपोर्ट के पास वापस आके गया, मतलब सपोर्ट को इसने वीक किया है। चांसेस इसके रहेंगे कि ये सपोर्ट को अगर तोड़ेगा तो इसको डाउन साइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20,450 के आसपास तक। अभी 20,016 पर है ना, तो 450 के आसपास तक इसमें अभी भी टारगेट पेंडिंग है। फिन निफ्टी में वहां पर एक सपोर्ट अगर क्रिएट करना है, ये सपोर्ट टूट के बाद उसको सपोर्ट रहेगा सीधा इस वाले लेवल के पास 20,450 के पास। इसके लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है गैप ऑफ
किसी में भी हो, निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, फिन निफ्टी में हो, सेंसेक्स में हो, किसी में भी गैप अप बढ़ा, गैप डाउन बढ़ा, उसके बाद सिंपल प्राइस एक्शन का इंतजार करना पड़ता है, सीधा डिसीजन नहीं लेना पड़ता है। एंड फिन निफ्टी को देखा जाए तो अच्छा खासा नीचे से रैली करते हुए आ रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन बना के वो कब से चल रहा है, यहाँ पे इसने एक अच्छा पैटर्न बनाया था, उसके बाद वो अपसाइड में कंटिन्यू मूवमेंट करते हुए गया है। एंड उसके बाद सेलिंग, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद अभी वापस रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इस लेवल के पास होल्ड कर रहा है। ये लेवल या तो मेक या बेर ब्रेक लेवल रहेगा, अगर मेक कर लिया इस लेवल के पास, कल भी रुक गया तो ये अपसाइड में भाग जाएगा एंड फिर ये रेजिस्टेंस निकाल देगा, अगर ये यहाँ पे ही रुक गया तो एंड तोड़ दिया तो फिर नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे वापस अगर कल सपोर्ट बनाया तो फिर इसका चांसेस रहेगा कि अपसाइड में ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल को निकाले, ये चांसेस इसमें रह सकते। थोड़ा सा डे का भी चार्ट देखते इसका, इसका डे का चार्ट क्या बोल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें रहती है कि मार्केट में गैप कहाँ पे है, गैप अगर उसने छोड़े है तो उसका चांसेस भी रहता है कि वो गैप भी फिल करे। अभी यहाँ पे भी नीचे नीचे गैप नहीं है क्या, नीचे का गैप फिल हो गया बैंक निफ्टी की तरह, अपसाइड में गैप है, ओके कोई बात नहीं। अभी फिन निफ्टी का चार्ट अगर देखे तो फिन निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो रहा है इस एरिया में, सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, सेम बैंक निफ्टी की तरह दिख रहा है मुझे ये। एंड ये कैंडल भी शूटिंग स्टार कैंडल ही बना है, कल का भी कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल ही बना था, बस ये सपोर्ट टूटने का इंतजार है। ये सपोर्ट अगर ये तोड़ेगा ना, एग्जैक्ट ये सपोर्ट लेवल क्या है, ये सपोर्ट लेवल 20,477 466 का लेवल अगर टूटेगा, 20,466 के नीचे ये पैनिक हो सकता है, थोड़ा सा अच्छा डाउन साइड में इंट्राडे में, सही इंट्राडे में ये अच्छा सा टारगेट हम लोगों को नीचे की साइड में दिखा सकता है, ये इसके चांसेस अभी फिलहाल लग रहे हैं। निफ्टी 50 को देखते हैं, निफ्टी 50 जो है इसका जो क्लोजिंग है, इसने भी 22,122 का क्लोजिंग दिया। आपने एक ऑब्जर्व किया क्या, ये बहुत सारे दिनों से 22,122 के लेवल के आसपास घूम रहे हैं, आज क्लोजिंग 22,122 के आसपास दिया है, 22,000 का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है इसके लिए, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, अगर ये सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा तो ये डाउन साइड में थोड़ा सा मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन चांसेस फिलहाल तो इसमें कम लग रहे भाई, क्योंकि यहाँ पे वीक बहुत अच्छा छोड़ा है इसने, जो वीक छोड़ा है ना ये वीक सबसे कंफ्यूजिंग वीक है, इसने वीक काफी अच्छा छोड़ा था नीचे जाके, अभी वापस नीचे आता है तो एक बार 22,020 तो आने दो उसको, ये इतना आएगा उतने में बैंक निफ्टी तो घूम के नीचे से आ जाएगा, ये 22,020 के आसपास अगर ये आएगा ना तो यहाँ पे ये सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए 22,020 के पास, क्योंकि इसके नीचे जाके ये इसने क्लोजिंग ही नहीं किया है, नीचे जाके वापस बायर ने कंट्रोल किया है, सो अब की बार ये 22,020 के नीचे अगर जाता है, सस्टेन करता है तो डाउन साइड मूवमेंट, नहीं तो फिर इसी का सपोर्ट बना के फिर से अपसाइड, इसके लिए सपोर्ट माइंड में रखना, 22,022 का एक सपोर्ट लेवल है, 22,122 के नीचे इसके लिए जगह रहेगी, यहां तक मतलब 100 पॉइंट के आसपास लगभग दूर है अभी इसके लिए सपोर्ट। 15 मिनट का प्राइस क्या बोलता है, जाते जाते क्या क्लोजिंग किया है, अभी 15 मिनट का ये चार्ट है, ये 9:15 का कैंडल होगा पहला, ओके ये 9:15 का पहला कैंडल है, हम ओपन होते हैं, हमने कंटिन्यूअस इसी लेवल का रेजिस्टेंस आज भी बनाया, हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद अपसाइड जाते हैं, लेकिन अपसाइड में रेजिस्टेंस फेस होता है मार्केट को एंड उसके बाद वो नीचे आता है, मतलब इसने अभी सपोर्ट तोड़ा नहीं है, अभी भी ये सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बहुत अच्छा लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, मेक या ब्रेक लेवल पे, जहां से हम लोगों को एक बड़ा टारगेट मिल सकता है, चाहे वो कॉल साइड में हो चाहे वो पुट साइड में हो, दोनों साइड में एक एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बस इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी के लिए कल एक सपोर्ट लेवल है, ये तोड़ना, निफ्टी 22,100 के नीचे सस्टेन ना करे, 22,100 का अगर सपोर्ट लेवल ये क्रिएट करेगा तो निफ्टी का चांसेस रहेगा अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम करने का, जो कि 22,222 के ऊपर ये जा सकता है। फिर निफ्टी का माइंड में रखो, 222 के ऊपर का टारगेट हम लोगों को कब देखने को मिलेगा, 222 ये टारगेट हम लोगों को कब देखने को मिलेगा, अगर ये सपोर्ट क्रिएट करेगा 22,100 के ऊपर, अगर ये कल 22,100 के ऊपर रह गया तो 22,222 तक निफ्टी में एक एक्सपेक्टेशन रहने वाला है, इसके ऊपर तक का टारगेट एक एक्सपेक्टेशन रहने वाला है। अगर ये लेवल टूट गया, ये सपोर्ट लेवल मानो टूट गया, 22,100 का सपोर्ट लेवल अगर टूट गया, तो आज ये 66 तक आया था ना, 66 नहीं आया था,
74 के आसपास आया था, तो वो भी सपोर्ट टूटेगा एंड उसके बाद वो 22,022 के आसपास आएगा जहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अभी तक का जो प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन ही यहाँ से बियरिश चल रहा है, ये प्राइस एक्शन ही यहाँ से बियरिश चल रहा है, लेकिन नीचे भी नहीं आ पा रहा है मार्केट। मार्केट नीचे आ रहा है क्या? मार्केट नीचे भी नहीं आ पा रहा है। ओके, ये यहाँ से रुक के ये अपसाइड में जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आ गया। जब थोड़ा सा मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक इसको जाना ऊपर ही है। बस 22,100 की लेवल को कल बचा ले तो ये अपसाइड में हम इसको देखेंगे। एंड अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है ना इसका, फिर पहले तो हम टारगेट 22,222 रखेंगे इसके लिए, एंड उसके बाद उसका ऊपर का टारगेट रहेगा 22,288 वाला टारगेट इसके लिए रहने वाला है, जो कि इसके लिए अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक वी टाइप बनाया है और उसके बाद इस तरह का कुछ बना रहा है, तो ब्रेक करना है तो ब्रेक कर दे, ब्रेक नहीं करना है तो इसी जगह से इसको सपोर्ट बना के अपसाइड में मोमेंटम करना चाहिए। यहाँ पे समटाइम डब्ल्यू टाइप कुछ क्रिएट होना चाहिए, वो सबसे बेहतर चीज रहेगी। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। निफ्टी के लिए भी टाइम दिया है, आप लोग बोलते हैं निफ्टी के लिए टाइम नहीं देते हैं, निफ्टी के लिए भी डेफिनेटली टाइम दिया है। सो अगर इतना ही है इस वीडियो में, बाकी कुछ नहीं, क्लियरिटी तो है ना आप लोगों को कि 22,100 ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे, वो लेवल सपोर्ट बनना चाहिए। अगर सपोर्ट बनता है तो अपसाइड, नहीं बनता है तो फिर वो डाउनसाइड में आएगा 22,020 के आसपास। ठीक है, हाँ, ये लेवल अगर टूट गया तो बात अलग है, ये लेवल अगर टूटता है तो बात अलग है, फिर बड़ा टारगेट डाउनसाइड में रहेगा थोड़ा सा, 21,900-21,800 के आसपास तक उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, जय हिंद, राधे राधे।